A big hello to everyone and welcome to the brand new episode of The Shorts, जहां पर मैं आपको बताता हूं एक वेट लॉस टिप कम से कम समय में. Alright, so guys, कभी-कभी क्या होता है कि हम अपनी डाइट अपने हिसाब से बहुत अच्छी फॉलो कर रहे होते हैं, अच्छे से वर्कआउट कर रहे होते हैं, बट स्टिल इतनी कोशिश के बाद भी हमारा वेट नहीं लूज हो रहा होता है. कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं करने दे रही है अपना वेट लूज? गाइज, आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ट्रस्ट मी गाइज, दिस विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस इन योर वेट लॉस स्ट्रैटेजी. सो हियर इज योर ब्रदर टेलिंग यू दिस अमेजिंग वेट लॉस टिप, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो. वेलकम बैक. सो गाइज, टुडे आई एम एड्रेसिंग यू द वर्स्ट एनिमी ऑफ वेट लॉस, जिसे हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेट गेन में, चलिए देखते हैं साइंस क्या कहता है. सो गाइज, जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है स्ट्रेस हार्मोन्स, विच इज नॉट गुड इफ यू आर लूजिंग योर वेट. एंड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस इज अ नेचुरल फिनोमिना, ये नेचुरल सी चीज़ है. अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और स्ट्रेस से मुझे दूर भागना है, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेस है कि मुझे स्ट्रेस से दूर रहना है. स्ट्रेस सबको आता है, चाहे वो जितना मर्जी फिट हो या जितना मर्जी अनफिट हो, स्ट्रेस सबको होगा. द ओनली डील हेयर इज हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस लेवल्स. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टेज पे होता हूँ और मेरी एकदम से एंट्री होने वाली होती है फॉर माई मैजिक शो, मुझे एक स्ट्रेस आता है. अगर मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कभी कभी वर्कआउट कर लूँ और उस तरीके का न्यूट्रिशन ना लूँ, तो मुझे फिजिकल स्ट्रेस होने के बहुत चांसेस हैं. ब्रेकअप हो या कभी किसी दोस्त के साथ किसी की लड़ाई हो, तो सबको एक इमोशनल स्ट्रेस आता है. सो मेरे कहने का मतलब है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. सो इन अ नटशेल, साइंस कहता है मोर स्ट्रेस इज इक्वल टू मोर स्ट्रेस हार्मोन्स. और जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, तो हमें क्रेविंग होती है कि हम कुछ शुगरी खाएं या कुछ हाई फैट वाला फूड खाएं. मोर स्ट्रेस मीन्स मोर ऑफ इमोशनल ईटिंग, मोर ऑफ बिंज ईटिंग, इन शॉर्ट मोर ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू डोंट नीड टू डू फॉर वेट लॉस. एंड गाइज, जो चीज़ आपको नहीं करनी है फॉर वेट लॉस इज इक्वल टू मोर ऑफ अ बॉडी वेट एंड मोर ऑफ अ बॉडी फैट. तो कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू विद ऑल माई हार्ट, प्लीज टेक योर स्ट्रेस वेरी सीरियसली गाइज, इफ यू वॉन्ट टू लूज योर वेट. मैंने भी स्ट्रेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार वेट लूज हो क्यों नहीं रहा. बट अल्टीमेटली आई रियलाइज कि स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है गाइज, इट्स अ मस्ट टू डू थिंग. आजकल इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास स्ट्रेस को कम करने के लिए, किसी की मत सुनिए, वो करिए जो आपके लिए काम करता है. अगर आपको लगता है कि योगा करने से यू विल फील गुड, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, ट्राई डूइंग योगा, ट्राई मेडिटेशन. आप मेडिटेशन से भी बहुत लोगों को फर्क आता है, एंड हमें ऐसा लगता है यार ये वेट लॉस में क्या मदद करेगा. येस गाइज, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर वेट लॉस. योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कभी स्ट्रेस में है तो अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, अपने दोस्त से बात कीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कीजिए, बॉयफ्रेंड से बात कीजिए, कुछ भी करिए. द ओनली डील हेयर इज कि आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है. सो दिस इज इट गाइज, प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कैसे मैनेज करते हैं. मे बी आपके एक्सपीरियंसेस से हम लोगों को कुछ सीख मिले. सो अगर वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज आर फैमिली.